हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के आगे के कॉन्सेप्ट की बातचीत करते हैं। आज हम बातचीत करेंगे बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो कितना मैग्नेटिक फोर्स उस पर अप्लाई होगा, किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, कैसे कैसे न्यूमेरिकल हमारे इस वाले कॉन्सेप्ट पर बनने वाले हैं, ये सारा डिस्कशन आज के हम इस चैप्टर में, इस लेसन में हम करने वाले हैं। तो हेडिंग डालो बच्चों, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। देखिए बच्चों, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के हिसाब से बातचीत करूं, तो आपने पढ़ा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, कोई भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है, विच इज इक्वल टू होता है क्यू। कोई भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? अपना क्यू ई। ये एक सिंपल सी लर्निंग है, बता रही समझ में? ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस भी किया था। बट अब मैं बातचीत कर रहा हूँ कि अब कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रख के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा? इस पर अगर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा तो कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, कौन कौन से पैरामीटर्स पर वो डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी बातचीत हम करेंगे। क्लियर? तो देखो बच्चों, जैसे इस बात को याद रखने का तरीका क्या है, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा था पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको दो चीज़ बताई थी। एक तो बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक मैंने आपको बताया था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। दो टर्म हमने सबसे पहले डिस्कस की थी, पहला था इलेक्ट्रिक फोर्स और सेकंड था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज है या चार्ज बॉडी है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, वो कितना प्रोड्यूस करेगा, ये हम निकाल रहे थे। सेकंड आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स की, कोई भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, कोई भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, डेट मीन्स इस चार्ज को किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता था तो इस पर फोर्स लगता था, एफ इक्वल टू क्यू ई। इन दो टर्म को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। आ रही बात समझ में? सेम बातचीत बेटा हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में करते हैं। यहाँ पर भी हम दो टर्म के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बातचीत करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और चार्ज पार्टिकल है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। देन सेकंड हम बातचीत करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, कि अब कोई भी चार्ज है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, या कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। ये सेम डिस्कशन हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर के लिए भी करते हैं, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के लिए किया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हमने बातचीत कर ली थी, अब आज हम बातचीत करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए। तो देखिए, जैसे अगर मैं यहां पर बातचीत करता हूं मैग्नेटिक फोर्स, तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, लेट से मैं बोल देता हूं आपको, ये कोई भी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तभी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि खुद चार्ज ने अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और खुद ने अपने ऊपर फोर्स लगा लिया। अरे ना बात समझ में? आपने पढ़ रखा है कि कोई भी चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स तभी लगता है जब उसे कोई दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। सेम वे में मैग्नेटिक फोर्स तभी अप्लाई होगा जब इस चार्ज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। करेक्ट? तो देखिए, आपको बोला क्या है कि कोई भी एक ये चार्ज पार्टिकल है क्यों, इसकी वेलोसिटी है v और ये एट एन एंगल थीटा पर विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। करेक्ट? ये एट एन एंगल थीटा पर विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड ये मूव कर रहा है। तो यहां पर बोला था बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ द
चार्ज ऑन दिस चार्ज पार्टिकल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, जितना ज़्यादा चार्ज स्ट्रेंथ होगी, जितना ज़्यादा अमाउंट का चार्ज होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। और ये तो वही सेम बात है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई होगा। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। हेयर मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो प्रपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई होगा। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट इज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो कॉम्बाइंडली यहाँ पर हम सीधा सीधा बोलते हैं, हेयर मैग्नेटिक फोर्स डेट इज प्रपोर्शनल टू होता है बेटा QVB साइन। और अगर मैं बेटा यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूँ तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है K, जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होती है 1। डेट मीन्स कहने का मतलब है कोई भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा, और कितना फोर्स अप्लाई होगा, QVB साइन थीटा। हेयर Q इज अ चार्ज, V इज अ वेलोसिटी, कैपिटल B इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन velocity vector end of magnetic field vector. And if I write it in vector form, so you can write it force vector, magnetic force vector, that is equal to a charge multiplied by velocity vector cross product of magnetic field vector. आर जी पास समझ में, इस तरीके से हम इसको वैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो समझ लो कोई भी चार्ज को जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पर फोर्स लगेगा डायरेक्ट, कोई डेरिवेशन का प्रोसीजर नहीं है, इवन बोर्ड में भी नहीं है आपके में कोई डेरिवेशन का प्रोसीजर, आपको डायरेक्टली लिखना है। इसकी वैल्यू आती है बच्चों अपनी QVV साइन थीटा। कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 प्रूफ होती है, तो वो भी हमारा लॉजिक नहीं होता है सोचने का, बस आपको टर्म्स का मतलब समझना होता है। क्यू तो है चार्ज, वी है वेलोसिटी, कैपिटल बी होता है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें चार्ज रखा हुआ है, और थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है, जिसको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अरे बात समझ में। तो बच्चे लोगों ये चीज़ जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन इस पर हम केसेस की बातचीत करेंगे, अलग अलग केस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है कोई भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है QE, पर मैग्नेटिक फोर्स QB नहीं होता, मैग्नेटिक फोर्स होता है QVV साइन थीटा। ये अलग है और ये अलग है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका भी अपना अलग है। हालांकि मैं दोनों को एक साथ लेके भी आपको प्रॉब्लम कराऊंगा, लेकिन पहले हमें एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स जैसा ऑपरेशन नहीं फॉलो करना है, थोड़ा सा सेपरेट है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना फोर्स होगा ये वाला, इसे आप नोट डाउन करो, इस बात को और अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर निकलने वाले हैं, उन एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पर बच्चों बातचीत करते हैं। तो लिख लीजिए, इसे कॉपी कर लो। देखो बच्चों, जैसे समझ लो कहानी अब पूरी है क्या है, मैग्नेटिक फोर्स FM डेट इज इक्वल टू होता है अपना QVV साइन थीटा। क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है, कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड और थीटा एंगल है, ये वाली बात हमें समझ में आती है। अगर मैं यहाँ पे बेटा केस 1 लिखता हूँ, अभी मैंने डायरेक्शन के बारे में तो कोई बातचीत भी नहीं की है, अभी हम केस 1 ले रहे हैं। लेट से ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है और कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो इसमें रेस्ट पर है। कैसे पोजीशन पर है? रेस्ट पर। अगर रेस्ट पर है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। वेलोसिटी जीरो है तो इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? जीरो। तो ये वाली बात हमें क्या बताती है
कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो ओनली मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगेगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ओनली मूविंग चार्ज पार्टिकल ही प्रोड्यूस करेगा, कभी भी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सेम वे में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर ही अप्लाई होगा, कभी भी स्टेशनरी चार्ज पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, अगर वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स भी अपना जीरो हो जाएगा। जैसे अगली बात करते हैं, अगली बात क्या है, अगर मैं ऐसे बोल देता हूं कि आपको बच्चों दिया हुआ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल है और इसके पास वेलोसिटी भी है, ठीक है, नाउ इट इज मूविंग, बट मूविंग सेंस जो है हियर वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही मूव कर रहा है, अगर अलोंग मूव कर रहा है तो इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू जीरो, ओवरऑल साइन जीरो डेट विल बिकम इक्वल टू जीरो, साइन जीरो क्या होगा अपना जीरो, सो हेयर आई कैन से मैग्नेटिक फोर्स डेट इज इक्वल टू होगा अपना क्यू वी बी साइन थीटा, इफ यू पुट हेयर वैल्यूज तो मैग्नेटिक फोर्स डेट इज इक्वल टू आएगा अपना जीरो, क्योंकि जैसे जीरो डाला तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा अपना जीरो। ये एकदम सिंपल सा लॉजिक है बच्चों कि जैसे ही मैंने चार्ज को मूविंग रखा तब भी इस पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा अगर वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। आ रही बात समझ में? अगला देखिए, जैसे केस थ्री, लेट से मैं ऐसे बोल देता हूँ कि ये तो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट, ये तो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, आपको बोला है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये ऊपर जा रहा है, अपवार्ड जा रहा है, मतलब कि नाउ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तो थीटा अपना हो जाएगा 90, ओवरऑल यू कैन से साइन 90 डेट इज इक्वल टू होगा अपना 1, राइट, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा फोर्स इज अ क्यू वी वी साइन थीटा, यहाँ पर साइन की वैल्यू तो हो गई अपनी 1, इस वाले केस में जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों वो मैक्सिमम होगा एंड विच इज इक्वल टू होगा क्यू बी पी, डेट इज इक्वल टू अपना क्या होगा क्यू बी पी। तो समझ लो एकदम आसान सा है, मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बातचीत करूं, कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, अगर वह चार्ज पार्टिकल मूविंग है बट वेलोसिटी उसकी पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के तब भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि ऑल केसेस में मूविंग के ऑल केसेस में मैग्नेटिक फोर्स नॉन जीरो है, ये स्टेटमेंट भी अपना रॉन्ग होगा क्योंकि पैरेलल वाले केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो हाँ तब जरूर बोल सकते हैं कि सर परपेंडिकुलर हो गया है इसलिए अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम, आई बात समझ में, परपेंडिकुलर में बोला जा सकता है लेकिन पैरेलल वाले केस में तो मैग्नेटिक फोर्स अपना जीरो ही होगा। तो बेटा सिंपल सी बात है कि अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू होगा अपना क्यू वी वी साइन थीटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी और भी बातचीत करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, एक एक छोटे छोटे पॉइंट की हम इसमें बातचीत करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में कहानी पूरी है क्या है, क्लियर। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगने वाला है डेट इज इक्वल टू होगा क्यू वी वी साइन थीटा, आई बात समझ में? चलिए इसे नोट डाउन करो, फिर और बात और कॉन्सेप्ट इसके समझते हैं। चलिए देखो बच्चों, जैसे ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि कोई भी चार्ज को अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जिसको हम क्यू वी वी साइन थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है डायरेक्शन कैसे लिखी जाए, क्योंकि भाई फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को कैसे दिया जाए। तो देखो बच्चों, डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम यूज में लेते हैं लेफ्ट हैंड रूल। अब बातें समझ लो, ये बातें जिनसे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने हमेशा बोला है कि दो ही क्वांटिटी के बारे में मैं बातचीत करूंगा इस पूरे चैप्टर में, एक क्वांटिटी तो होगी अपनी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, एक क्वांटिटी होगी अपनी मैग्नेटिक फोर्स। एक तो हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बातचीत करेंगे, एक मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। जब भी फील्ड की डायरेक्शन निकाली जाएगी तो राइट हैंड को काम में लेना है, जब भी फील्ड के बारे में बोला जाए
तो हमें कौन से एंड हैंड पे जाना है, राइट पे। और जब भी फोर्स के बारे में बोला जाए तो हमें कौन से एंड पे जाना है, लेफ्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं फोर्स के बारे में, इसलिए लेफ्ट। अगर फील्ड के बारे में बातचीत हो, चाहे कैसी भी वायर दी हुई हो, स्टेट हो, सर्कुलर हो, सोलेनोइड हो, टोरॉइड हो, या वॉट एवर जो भी है, ठीक है, हमेशा अगर फील्ड की बात है तो राइट, फोर्स की बात है तो लेफ्ट। सीधा सीधा याद रखो कि कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और बहुत ज़्यादा रूल याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये फोर्स है इसलिए हम यूज में लेने वाले हैं लेफ्ट हैंड रूल, करेक्ट। अब देखिए लेफ्ट हैंड में, ये जैसे मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, क्लियर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये हो गया थंब, डेट इज़ अ फोर फिंगर एंड डेट इज़ अ मिडल फिंगर। तीन फिंगर का काम है थंब, थंब और मिडल फिंगर के बीच में जो होती है उसको बोलते हैं हम फोर फिंगर, और ये है अपनी मिडल फिंगर। इन तीनों को ऐसे परपेंडिकुलर कर लो, तीनों को कैसे कर देना है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक जेड हो गया, ऐसे तीनों को परपेंडिकुलर कर लो, ठीक है। कभी भी उंगलियों को ऐसे मूव मत कराना, एक बार ये फिक्स कर लो फिर पूरा पंजा मूव करेगा। कुछ बच्चे ऐसे उंगलियों को मूव करा के गलतियां करते हैं, तो समझ लो ऐसे ज्योमेट्री बनाओ और पूरा पंजा को ही मूव कराना है, उंगलियां मूव नहीं करानी, ठीक है। ये पोजीशन गेन कर ली। अब देखिए इस पोजीशन को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर मैं बातचीत करूँ, एक तो थंब है, एक अपनी ये फिंगर है, एक अपनी ये मिडल फिंगर है, अरे बात सच है, बाकी की और जो फिंगर्स हैं उनका कोई भी अपना काम ऐसा नहीं है, करेक्ट। ये जो थंब है, ठीक है, ये है अपनी फोर फिंगर और ये है अपनी मिडल फिंगर, राइट, करेक्ट। बात आई समझ में नहीं आई? अब देखिए बेटा, फोर फिंगर को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर रखना है, फोर फिंगर को असाइन कर दो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगा। मिडल फिंगर को रखना है बच्चों हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जिधर भी चार्ज की वेलोसिटी है उस वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है। तो थंब हमें बताएगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। दो टाइप का फोर्स पढ़ोगे पूरे चैप्टर में, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। दोनों में ही फोर्स की बात है तो लेफ्ट हैंड रूल यूज में लेने वाले हो, तीन ही फिंगर्स का काम है, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर। फोर फिंगर फिक्स है मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर वेलोसिटी के लिए, और जब करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो करंट के लिए, क्योंकि जिधर करंट, जिधर चार्ज मूव करेंगे उधर ही करंट जाएगा, तो वेलोसिटी के लिए और करंट के लिए, और ये बताएगा बच्चों मैग्नेटिक फोर्स थंब। और इस तरीके से पोजीशन रखनी है, पूरे पंजे को हमें मूव कराना है, फिंगर्स को आपस में मूव नहीं कराना है, बस इतनी सी कहानी है। इस कहानी से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हर क्वेश्चन में आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हो। जैसे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, सेम वे में आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी कैलकुलेट कर पाओगे, कहीं भी नहीं अटकोगे, बस इस कहानी को हमें अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल को हमें कैसे लगाना है, ये वाली बात आ रही है समझ में? चलिए तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर इन सब पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, तो क्वेश्चन से हम इसको और अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से हम एक एक बात को, एक एक पॉइंट को और अच्छे से समझेंगे, एक बार इसे आप नोट डाउन कर लो। चलो बच्चों न्यूमेरिकल्स की बातचीत करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर फ्रेम होंगे। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बच्चों यहाँ पर बातचीत करता हूँ, पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q इक्वल टू 2 कूलम्ब इज मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इज मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड v वेक्टर इक्वल टू 10 के कैप विद वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू -5 जे कैप, देन डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये मुझे डिटरमाइन करना है। आपको कोई भी चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, समझ लो किस तरीके से करेंगे। पहला न्यूमेरिकल समझ लो, एकदम आसान सा है, फिर इससे हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल का लेवल भी बढ़ाते हुए चलेंगे। देखो बच्चों, आपको बोला है कि एक कोई भी चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 कूलाम, जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो है 10 kk, राइट, एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 kg/j। आपको सबसे पहले तो लिखना है बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स लिखता हूं तो ये होगा v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इज 2 कूलाम, वेलोसिटी इज -5 jk, मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड इज 10 kk। अगर बेटा इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस तो बाहर आ गया, यहाँ पर 5 × 10 होगा 50, ये भी बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा जे कैप क्रॉस के कैप। और आपने पढ़ा है बेटा जे कैप क्रॉस के कैप डेट इज इक्वल टू होता है आई कैप। मैंने एक सिंपल सा सर्कल बताया था आपको, आई जे एंड के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, डेट मीन मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू आएगा माइनस के 100 i। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स का अमाउंट लगना है वो तो होगा 100 N और डायरेक्शन होगी -x डायरेक्शन। ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो अगर आपको वैल्यूज जो हैं वो वेक्टर फॉर्मेट में गिवन है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर फॉर्मेट में गिवन है तो हम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को तो बड़ा ईजी से स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है बेटा, चार्ज की वैल्यू को और मैग्नेटिक फील्ड को उसमें पुट कर देना है, आपके आंसर्स ईजिली कैलकुलेट हो जाएंगे। ये वाली बात आ रही है समझ में, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। कैसे भी आपको न्यूमेरिकल दे दे चार्ज के ऊपर, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो सीधा सा लॉजिक है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू होगा दिस वन, दैट इज चार्ज इनटू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर। आई बात समझ में? ये है बेटा, कोई भी मूविंग चार्ज को अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कितना फोर्स लगेगा। अगर आपकी यहाँ तक कोई भी क्वेरी है, आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हो, कहीं भी अटक जाते हो, देन यू कैन आस्क ऑन योर रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।